कराची से आपको अहम खबर दें। कराची में शाहराहों से पीटीआई के झंडे उतारने का मामला वफाकी वजीर अली जैदी का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जरदारी माफिया पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च से खौफजदा है, जबकि पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान की पुलिस के रवैये की मजम्मत भी सामने आई है। पुलिस की जानिब से हमारे कारकुनान और ओहदेदारान को हरासा किया जा रहा है। अली जैदी का कहना था कि पुलिस की जानिब से झंडे लगाने वाली क्रेनों को भी रोका जा रहा है। आपको बताएं कराची से जहां पर शाहराहों से पीटीआई के झंडे उतारने का मामला, जिस पर अली सैदी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जरदारी माफिया पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च से खौफजदा है, पुलिस की जानिब से झंडे लगाने वाली क्रेनों को रोका जा रहा है। पुलिस की जानिब से हमारे कारकुनान और ओहदेदारान को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के इकदाम की शदीद मजम्मत की और कहा कि पुलिस के इकदाम की शदीद मजम्मत करते हैं, इंतजामिया इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज रहे। जबकि दूसरी जानिब पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान की जानिब से भी पुलिस के रवैये की मजम्मत सामने आ चुकी है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि पुलिस रियासत का हिस्सा है, सियासत का नहीं। सिंध हुकूमत पुलिस का सियासी इस्तेमाल कर रही है।